अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त पेशावर में एक ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ मेरे पीछे बहुत सारे ट्रक जिसपे खुराक का सामान लदा हुआ है अफगान भाइयों की मदद के लिए अलखिदमत फाउंडेशन रवाना कर रही है। हम शुक्रगुजार हैं पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम के, जिनकी मदद के जरिए से ये सारा काम किया जा रहा है। अफगानिस्तान में रहने वाले मुहाजिरीन जो तब्दीली के बाद मुख्तलिफ जगहों से उठ के आए हैं, उनकी मदद की जाए और उनको फाकों से बचाया जाए। अलखिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान का ये काफिला जो आज जा रहा है ये इब्तदा है और इंशाल्लाह हम पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम के जरिए से और अफगानिस्तान में जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ तआवुन के जरिए से इस काम को जारी रखेंगे। अफगानिस्तान के बहन भाइयों के लिए पाकिस्तान की जानिब से ये इमदादी सामान रवाना किया जा रहा है। अलखिदमत फाउंडेशन का एक वफद इस वक्त काबुल में है जो सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है और वहाँ की मेडिकल की ज़रूरियात IDPs हैं उनकी सूरत हाल का जायज़ा ले रहा है। ये जो इमदादी सामान है ये इंशाल्लाह हमारी पहली केप है और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। अलखिदमत फाउंडेशन के तवसुत से अपने अफगान बहनों और भाइयों के लिए जिस मुश्किल में वो घिरे हुए हैं, इस किस्म की बहुत सारी IDPs की मुश्किलात हम पाकिस्तान में भी देख चुके हैं। दुनिया ने हमसे तआवुन किया, हम इंशाल्लाह अपने इन पड़ोसी भाइयों से तआवुन करेंगे। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर जी शऊर और ऐसा आदमी जो दर्द दिल रखता है वो अलखिदमत फाउंडेशन के साथ तआवुन करे ताकि हम अपने अफगान भाइयों को मुश्किल की इस घड़ी में तन्हा न छोड़े और उनकी जो जरूरियात हैं उसको पूरा करने में जल्द से जल्द हमारी तरफ से ये तआवुन मुसलसल जाता रहे।